ये प्रॉब्लम आ रही है, ये देख रहे हो। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मोटीग्रिप। तो अभी हमारे जुपिटर BS6 में एक प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि इसका किक जैम हो चुका है, कम्प्लीटली जैम नहीं है लेकिन फिर भी बहुत हद तक जैम हो चुका है। और यह प्रॉब्लम हर एक स्कूटर में आती है जिसमें सेल्फ लगा होता है, क्योंकि बार बार ओनर सेल्फ लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकल देते हैं, किक का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसलिए किक धीरे धीरे जाम होने लगती है। ठीक है, तो अभी हमारे में भी प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ किस तरह के जाम हुई है। किक है, इसे कम्प्लीटली यहाँ तक आ जाना चाहिए लेकिन ये फिर भी आधे में ये रुक जाएगी, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये देख रहे हो। इसलिए हम अभी इस किक को फ्री करेंगे, और ये हर एक स्कूटर में प्रॉब्लम आती है, तो सारा प्रोसीजर सेम होने वाला, बस ये वोल्ट वगैरह अलग अलग होते हैं, वो सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्रोसेस शुरू करें। अभी हम इसका ये कवर निकाल, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 1 वोल्ट 2 वोल्ट नीचे में है, ये 3 वोल्ट 4 वोल्ट इधर, 5 और इधर 6 7, टोटल 7 वोल्ट खोलने हैं हमें 8mm के। इसमें 8mm में हो सके एक्टिवा में 10mm का हो, या फिर मोस्टली लेकिन 8mm के होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 7 होगा 8 होगा ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खोल लेनी है, और इसके लिए आपको गियर ऑयल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप इसे जस्ट एक निकाल लो, और जब भी निकालो तो किक को लगे रहने देना, क्योंकि क्या होता है बहुत टाइम तक ये रखे रखे ना, या रस्ट वेल्ड हो जाता है तो ये जैम हो जाती है, तो किक आपको थोड़ा ऐसे पकड़ के निकालने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8mm के ये सारे वोल्ट खोल देते हैं। ये सारे वोल्ट निकले हमारे 8mm के, 2 बड़े बड़े वोल्ट हैं, एक ऊपर लगते हैं एक नीचे, बाकी 4 छोटे छोटे। ये जो बड़े वोल्ट हैं एक यहाँ पे लगेंगे और एक इस साइड में लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस असेंबली को बाहर निकालते हैं। तो किक को आपको अभी नहीं खोलना है, किक को एज इट इज़ रखना है, क्योंकि इसे पकड़ के आप इजिली इसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो और एक यहाँ पे आपको फिल्टर वाली भी यहाँ पे ये चीज़ खोल लेनी है, जो कि CVT फिल्टर होती है गियर बॉक्स की, उसे भी हमें यहाँ पे खोल लेना है। ये पूरी असेंबली हमारी बाहर आ चुकी है, तो वो कवर हमने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, अब भी देखो आप कचरा कितना अंदर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये सब कचरा आपको हर टाइम टू टाइम सर्विस में साफ़ करा लेना चाहिए, मतलब हर 2 सर्विस से एक बार तो आप ये चीज़ साफ़ करा लो। ठीक है, और इसका एक ये फ़िल्टर भी होता है, CVT फिल्टर जो गियर बॉक्स में लगा होता है साइड में, ये भी अभी देखो गंदी हो चुकी है, तो इसे मैं अभी या तो क्लीन कर लूँगा पेट्रोल की मदद से, या तो नया डालूँगा, प्रॉब्ली मैं इसे क्लीन करूँगा। ठीक है, इसे क्लीन करके ही लगाऊंगा। ठीक है, और अभी देखो जो किक जाम हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, अब देख रहे हो यहाँ कहानी कितनी ज़्यादा ख़राब है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे कचरा जम गया है ग्रीस पार्ट में, देखो पूरी तरीके से धूल मिट्टी आ चुकी है। तो अब किक जाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये आप बताओ मुझे। तो इसके लिए हमें 1 2 3 4 वोल्ट खोलने हैं, और इस प्लास्टिक के कवर को हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले इस वोल्ट को निकालते हैं, फिर बात करते हैं। ये सारी वोल्टें खुल चुकी हैं और हम सब निकाल रहे हैं, कहानी ख़राब है थोड़ी सी। ये देखो इन सब कारणों की वजह से किक हमारी जाम हो चुकी है, ये जो अब ग्रीस में गुल धक्कड़ है ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी जाम कर चुकी हैं। तो इसे प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे, बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इन सारे क्लिपर वगैरह को निकाल के गियर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लो, बट हमारी ये चीज़ इतनी भी गंदी नहीं है कि हम सारे पार्ट पुर्जे को निकाल के क्लीन करें, ऊपर से भी क्लीन कर देगा तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन बेस्ट तरीका होता है कि आप सारी चीज़ खोल के करो। तो फिलहाल मैं देखता हूँ अभी पेट्रोल से धो के कि ये प्रॉपर काम करती है कि नहीं करती है। मेरे अंदाज़ से अभी जो हिसाब से गंदगी है ये नॉर्मल से चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा चौकी रहती सारी चीज़ें में तो हम इसे प्रॉपर खोल के भी कर सकते हैं। खोलना ज़्यादा कुछ आसान नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये क्लिप देख रहे हैं, क्लिप को निकालो ये गियर बाहर आ जाएगी, इस लॉक को निकालो ये गियर बाहर आ जाएगी, इस स्प्रिंग को ऊपर पुश करके बाहर निकालो ये गियर सेट, मतलब जो किक सेट है वो निकल जाएगा बाहर आपका। किक सेट करने के किक सेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे आप स्प्रिंग को बाहर निकालो। ठीक है, और इस किक को वोल्ट खोल के सबसे पहले इसे निकाल दो, और इस रॉड को अंदर धक्का दे दो, ये हमारा सेट पूरा निकल जाएगा। तो फिलहाल मैं नॉर्मली बाहर से ही पेट्रोल से क्लीन कर रहा हूँ। ठीक, सारी चीज़ें को हम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, तो यहाँ मैंने थोड़ी पेट्रोल निकाल रखी है और पेट्रोल की मदद से इसे गियर को साफ़ करेंगे। तो ये क्लिप होती है, तो क्लिप को जस्ट हमने अप्लायर की मदद से ऐसे खींच दिया है, और ये क्लिप आ गई है क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब इसे हम निकालेंगे यहाँ पे, देख रहे हो तरीके से पेट्रोल में तरीके से साफ़ करेंगे, और ये देख रहे हो आप यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें, तो इसे भी अच्छी तरीके से हम पेट्रोल के मदद से
साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉशर को फिट कर रहे हैं। वॉशर हमारा यहाँ फिट हो चुका है और इस गियर को हमने यहाँ पे फिट कर रहे हैं। गियर लग चुका है। अब हम इस क्लिप को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमने ये क्लिप यहाँ से फिट अच्छी तरीके से फिट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम थोड़े बहुत जो अंदर कचरे जम रखे हैं, जो हमने इस गियर को नहीं निकाला था, इसे हम थ्रॉटल बॉडी की मदद से क्लीन करेंगे। बस कर रहे हैं, दे नीचे से थोड़ा अप्लाई कर। तो जब भी आप इसे साफ़ करें तो इसे पानी की मदद से ना करें, क्योंकि ये होती है पूरी कास्ट आयरन की गियर और पानी और कास्ट आयरन का बिल्कुल भी बनता नहीं है, तो वो रस्ट होने लगेगी। तो बेहतर रहेगा पेट्रोल डीजल या केरोसिन से वॉश करें, या तो जैसे थ्रॉटल बॉडी रखें तो वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो बेटर है पेट्रोल या डीजल से आप इसे अच्छी तरीके से क्लीन करें। अब हम इसमें ल्यूब करेंगे और थोड़े बहुत इस गियर में ग्रीस भी अप्लाई करेंगे। तो अभी हम इसमें प्रॉपर तरीके से ल्यूब करेंगे, ज़्यादा भी लुब्रिकेशन नहीं करना है, क्योंकि फिर वो धूल मिट्टी ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी। हल्के हल्के आपको गियर पे अप्लाई कर देना बस। और इस गियर पे भी हल्के हल्के आपको ग्रीस लगा देने। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें, अगर आप इस कंडीशन में किक मारेंगे तो ये चीज़ बाहर निकल के आ जाएगी। तो आपको घबराना नहीं है कि बहुत से लोग घबरा जाएंगे, मैंने क्लिप तो सही लगाई है फिर भी ये टेंशन हो रही है, बाहर क्यों निकल रही है ये गियर। तो वो बाहर निकलना इसका ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं निकलेगी तो इस स्लॉट में जाके फिट नहीं होगी और इसे घुमाएगी नहीं, फिर हमारी गाड़ी चालू भी नहीं होगी। तो इसे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसे घबराए नहीं बिल्कुल, बस ये कवर लगानी है और सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे थी वैसे सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पैक कर देनी है, फिर मिलते हैं हम आपसे। तो ये सारी बोल्टें हमने टाइट कर दी यहाँ पे। अब ये जो सीवीटी फिल्टर होती है इसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसे यहाँ पे जस्ट स्लॉट में ऐसे बैठा दें और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसमें इस तरीके से ऐसे फिट कर दें, और वो जो क्लैंप थी वो क्लैंप की मदद से यहाँ पे टाइट कर दें, फिर हम इसे फिट करेंगे। तो अभी सारा हमने फिट कर दिया, जैसे निकाला था वैसे सारा कुछ फिट कर दिया, और करते करते हमें करीब एक घंटे लग गए, शाम भी हो गई, हाथ बिल्कुल गंदे हो चुके। अब किक ज़रा दिखाइए विशाल, किक कैसा काम कर रहा है। अब आप देखो किक, ये देखो कितनी फट से मैकेनिज्म यहाँ पे काम किया। फिर से एक बार दिखाना, छोड़ दियो एक बार वहाँ पे, छोड़। ये देखो ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन उस वक्त जाम थी क्योंकि वो कचरे सारे फंसे हुए थे, तो हमने सारी चीज़ को अच्छे से क्लीन करके ल्यूब करके ग्रीस करके, अगर आपके पास ग्रीस नहीं है तो ल्यूब कर दो इंजन ऑयल से, या फिर जो पुराने इंजन ऑयल होते हैं उससे भी आप ल्यूब कर सकते हो, हालांकि नए से करो तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर ग्रीस यूज़ करो, दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ आपकी सारी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो ज़रूर एक लाइक करते हुए जाएँ, ना पसंद तो डिसलाइक भी करते हुए जाएँ। जब भी गाड़ी चलाएँ हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।